तो कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मोबिलिंक जैस को इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जियो के साथ। जियो की फाउंडर डेट 2007 है और मोबिलिंक जैस की फाउंडर डेट 1994 है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की रैंकिंग में जियो का नंबर 3rd है और मोबिलिंक जैस का नंबर 29th है। जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं और मोबिलिंक जैस के सीईओ आमिर इब्राहिम हैं। जियो का हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है और मोबिलिंक जैस का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। लास्ट ईयर जियो का टोटल रेवेन्यू 21,708 करोड़ इंडियन रुपीस था और मोबिलिंक जैस का रेवेन्यू 1,320 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस था। जियो के टोटल कस्टमर्स 40 करोड़ 60 लाख हैं और मोबिलिंक जैस के टोटल कस्टमर्स 6 करोड़ 7 लाख हैं। जियो के ओनर जियो प्लेटफॉर्म्स हैं और मोबिलिंक जैस के ओनर वियोन कंपनी है। जियो के 33,000 एम्प्लॉयज़ हैं और मोबिलिंक जैस के 2,300 एम्प्लॉयज़ हैं। जियो की प्रोडक्ट्स में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सर्विसेज, ओटीटी सर्विसेज और मोबाइल बैंकिंग जैसी प्रोडक्ट्स हैं। मोबिलिंक जैस की प्रोडक्ट्स में मोबाइल फोन टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड एक्सेस, इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल बैंकिंग जैसी सर्विसेज हैं। जियो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के अंडर काम करती है और मोबिलिंक जैस कंपनी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA के अंडर काम करती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पाकिस्तान और इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज मोबिलिंक जैस और जियो को कंपेयर किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।